हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते अपने जीएसटी की डिस्कशन को। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6, टाइम ऑफ सप्लाई के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। देखो भाई, टाइम ऑफ सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस है। बिना टाइम ऑफ सप्लाई के तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइबिलिटी किस जीएसटी की जो लाइबिलिटी है या जीएसटी की जो पेमेंट है वो कब करनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि भाई पेमेंट कब करनी है, किस गवर्नमेंट को कब पैसा मिलेगा। ठीक है, नाउ देखो, जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये तो हम सबको पता है कि जो जीएसटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे पेबल होता है। ठीक है, नाउ टाइम ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज। टाइम ऑफ सप्लाई वो बताता है कि कब आपकी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की। हाउएवर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, द सेम हैज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाई द ड्यू डेट प्रोस्क्राइब विद द रेफरेंस टू द सेट टाइम ऑफ सप्लाई। उन्होंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट नोट करने की वाली बात है कि जो लाइबिलिटी है वो तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से अराइज हो जाती है कि भैया टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स हो गया तो लाइबिलिटी बन गई, इस लाइबिलिटी को पे करना है। लेकिन जो लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा वो ड्यू डेट के हिसाब से पे किया जाएगा। जैसे कि इस मंथ का अगर हम प्रेजेंट मंथ की अगर लाइबिलिटी की बात करें तो जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके 20th तक जब जी एस टी आर 3B फाइल करते हो तो बिना पेमेंट के 3B फाइल होगी नहीं। तो आप देखो, इस मंथ की प्रेजेंट मंथ की जो लाइबिलिटी है वो नेक्स्ट मंथ के 20th तक अगर पे करनी है तो वो ड्यू डेट कहलाती है, और जबकि टाइम ऑफ सप्लाई होगी इस प्रेजेंट मंथ में। तो वही इन्होंने मेंशन की है। नाउ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड सेपरेट प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेक्शन 12 एंड 12-13। सीजीएसटी एक्ट ने भी सेपरेट प्रोविजन जो बताया है टाइम ऑफ सप्लाई का वो बताया हुआ है। बस सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद लीगल प्रोविजन। अब ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी पेबल है वो एडवांस रिसीव्ड पे भी है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एडवांस रिसीव लिया हो किया हो या सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए एडवांस पैसा ले लिया हो फॉरवर्ड चार्ज में। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, हम तो पहले भी देख चुके हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर एडवांस लिया है तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगर एडवांस लिया तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल है। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन देखो, लिखना आपको आंसर तो पता है, लेकिन जो लिखने का तरीका है, क्या क्या कंटेंट लिखना है, उसके लिए क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है या उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक से दो बार देखो और चार बार लिखो। नाउ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वाइल जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, द सेम इज नॉट पेबल इन केस ऑफ एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो वही सारी बात लिख दी है कि जो जीएसटी पेबल होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर, जब हम उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में एडवांस ले लेते हैं तो जीएसटी पेबल हो जाता है फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन अगर हम एडवांस लेते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट फॉरवर्ड चार्ज में तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो वो उन्होंने मेंशन कर दिया। नाउ एज पर सेक्शन 13 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई भी लिख दिया, मतलब देखो कंटेंट तो लिखना पड़ेगा ना। उन्होंने लिख दिया टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के, इसमें क्या होता है हमें पता है जी, 30 डेज के अंदर अदर इनवॉइस रेज कर देनी चाहिए या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर स्टेप्स है। तो देखो, एज पर सेक्शन 13 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्जेस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, इफ द सेम इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जिस दिन डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर सप्लाई वो इनवॉइस रेज कर देते हो तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले की डेट आ रही है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। ठीक है, नाउस और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीव पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू नहीं हुआ है तो फिर हम इनवॉइस की डेट को इग्नोर कर देते हैं। और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीव पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, इसमें जो तो पहले की जो डेट आ रही है उसको हम मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। दस इन केस ऑफ सर्विसेज इफ द सप्लायर रिसीव्स एनी पेमेंट, तो आप बताइए इस केस में बता दिया, अगर सर्विसेज के केस में अगर सप्लायर रिसीव करते हैं पेमेंट बिफोर द प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और बिफोर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस, बिना प्रोविजन ऑफ सर्विस के बिना इशुएंस ऑफ इनवॉइस के अगर पैसा रिसीव कर लिया, द टाइम ऑफ सप्लाई गेट्स फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन और लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सच पेमेंट, तो उसी टाइम फिक्स हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो एडवांस में पैसा है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। आई थिंक डिस्टर्बेंस हो गई।
अभी तो वीडियो शुरू ही किया था, मैं रोक नहीं सकते। चलो नेक्स्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो अननेसेसरी की डिस्टर्बेंस है। सॉरी सॉरी सॉरी।